डेप्यूटी पीएम रोगोजिन रह चुके हैं। आइए जरा विस्तार से हम आपको बताते हैं इस खबर के मायने क्या है। दरअसल यूक्रेन का जो टारगेट है दमित्री क्या है, दरअसल डोनेट्स्क में सुरक्षित होटल को निशाना एक तरह से बनाया गया। इस होटल में जहां पर पूर्व डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं दमित्री रोगिजोन हमले में घायल हुए हैं। हमले में रोगिजोन का बॉडीगार्ड भी इस दौरान मारा गया है। लड़ाकों की मदद के लिए यहां पर रोगिजोन पहुंचे थे और उसी को टारगेट किया है। हमले में विटाली कोनेस्को भी इस दौरान जख्मी हुए। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के चीफ हैं विटाली और हाई प्रिसीजन हथियारों से यूक्रेन का यह अटैक माना जा रहा है। डोनेट्स्क पर दरअसल डीपीआर का कब्जा है जो कि रूस समर्थित एक ग्रुप है। डीपीआर मतलब डोनेट्स्क पब्लिकन, ये एक पार्टी है। डोनेट्स्क में सुरक्षित होटल पर अटैक करना ये स्पष्ट हो जाता है कि यूक्रेन अब लगातार कड़ा जवाब दे रहा है।